नमस्कार, मैं प्रिया धारा 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार करने के बाद केजरीवाल सरकार ने ये निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पिछले 20 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आए थे। यहां आकर उन्होंने बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लिया था, जिसके बाद अब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 नवंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वो 7 नवंबर को मोतिहारी के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोतिहारी के बाद दोपहर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम राजगीर स्थित नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास के पर्व भाई दूज की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने गुरुवार की देर शाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोगों को थोड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है। इसके बाद बिहार सरकार ने भी 3.20 रुपए पेट्रोल और 3.90 रुपए डीजल पर वैट कम किया। इसको लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जब सरकार हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में हार गई, तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। भारतीय क्रिकेट को कई अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर देने वाले 71 वर्षीय मशहूर कोच तारक सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद शनिवार की सुबह दिल्ली में निधन हो गया है। सिन्हा अविवाहित थे और उनके परिवार में बहन और सैकड़ों छात्र थे। देश के कई प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को तराशने वाले सोनेट क्लब की स्थापना सिन्हा ने की थी। बिहार के जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा में एम्स हेतु जमीन आवंटित करने के लिए मिथिलावासियों की तरफ से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मिथिलावासी उनके इस तोहफे के लिए सदा ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय की वजह से ही दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का सपना साकार हो रहा है। ओडिशा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्यों के लिए जिला परिषद अध्यक्ष की 4 सीटें आरक्षित की हैं। राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 18 जिला परिषद प्रमुख सीटें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 10 जिलों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, 4 अनुसूचित जाति के लिए और 4 अन्य ओबीसी के लिए आरक्षित है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास की सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों का गांव बसा दिया है। भारत और चीन के बीच ये गांव और अन्य बुनियादी ढांचे को तनाव का बड़ा कारण बताया गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसी आशंका जताई गई थी कि त्योहारी सीजन में कोरोना केस में उछाल आएगा, मगर आज जो आंकड़े आए हैं वो बेहद सुकून देने वाले हैं। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 10,929 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,44,683 हो गई है। वहीं संक्रमण से 392 और लोगों की जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,60,265 हो गई है। आर्यन खान केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से घिरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक तरह से गाज गिरी है। समीर वानखेड़े को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज मामले में मुख्य जांचकर्ता से हटा दिया गया है। समीर को आर्यन खान केस की जांच से हटाए जाने पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिसे हम करेंगे। त्योहारी मौसम में खाने के तेल को लेकर सरकार आम आदमी को राहत देगी। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ और एहतियाती कदम उठाने का ऐलान किया है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। इसके साथ ही इन तेलों पर कृषि उपकर में भी कटौती करने की घोषणा कर दी गई है। भारत आगामी 10 नवंबर को अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग का आयोजन कर रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इसमें चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इससे पूर्व इसकी 2 बैठकों ईरान में सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में आयोजित की गई थी।
भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में रविवार से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय समुद्री सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा लेंगे। ये जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है। भारतीय नौसेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक गोवा समुद्री सम्मेलन GMC 21 का यह तीसरा संस्करण होगा। ये इस साल मई में हुए गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 21 के दौरान हुई चर्चा पर आधारित होगा। फिल्म सूर्यवंशी ने एक बार फिर से सिनेमाघरों में रौनक लौटा दी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुछ जगहों पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है तो वहीं कई जगह धीमी शुरुआत रही। धीमी शुरुआत की एक वजह यह भी है कि उन जगहों पर सुबह इसे देरी से रिलीज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महाप्रबंधक RK जेनामनी ने कहा है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने और राष्ट्रीय राजधानी में बायोमास प्रदूषकों की मौजूदगी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। IMD DGM ने बताया है कि दिल्ली में AQI स्तर 550 से 530 से अधिक है, जो गंभीर स्थिति में माना जाता है। अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जल्द ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लग सकती है। इसके लिए वहां इजाजत मांगी गई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी ओक्यूजेन ने घोषणा की है कि उसने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिकी प्राधिकरण के अधिकारियों से अनुमति मांगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2022 में खुद के लड़ने को लेकर पहली बार कोई टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वो वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का संसदीय बोर्ड है। किसे कहां से चुनाव लड़ना है इसका निर्णय उसी बोर्ड में ही होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज विशेष PMLA अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। देशमुख 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में है। ईडी देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जाँच कर रही है। यूपी में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस ने फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस 40 उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी कर सकती है। यूपी में सभी 403 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला बोल दिया है। सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली अपनी ही पार्टी की 90 दिन की सरकार द्वारा किए गए कामों पर सवाल उठाया। उन्होंने पंजाब के 2 प्रमुख मुद्दे बेअदबी और ड्रग्स मामले को उठाते हुए कहा है कि चन्नी सरकार ने 50 दिनों में क्या किया। चीन ने देश के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आधिकारिक मीडिया ने यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ में अपनी खबर में बताया है कि ये सैटेलाइट या गान 35 श्रेणी के है और इन्हें लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है और ये निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गए हैं। भारत में अलग अलग सिख समूह ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान उच्चायोग अक्सर उन हिंदुओं को वीजा देने से इनकार कर देता है जो सिख जत्थों के साथ पाकिस्तान की तीर्थ यात्रा के लिए अप्लाई करते हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाई मर्दाना यादगरी कीर्तन दरबार सोसाइटी के अध्यक्ष हरपाल सिंह भुल्लर ने कहा है कि बड़ी संख्या में हिंदू अनुयायी पड़ोसी देश में अलग अलग सिख तीर्थ स्थल में पूजा करने के लिए पाकिस्तान में वीजा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं होने की वजह से वो बेहद ही निराश हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर अपने शासित राज्यों में फ्यूल की कीमतों में कटौती की घोषणा नहीं करने को लेकर निशाना साधा है। ईंधन की कीमतों के विरोध में विपक्ष ने जमकर केंद्र सरकार पर हमले बोले थे और अब उन्हीं के राज्यों में अब तक फ्यूल की कीमत में कटौती का ऐलान नहीं किया गया, जिसको लेकर अब भाजपा का गुस्सा विपक्ष पर फूट पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना की वर्दी पहनने को लेकर दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये केवल शुरुआत ही है, लेकिन उन्हें तब भी कोई आश्चर्य नहीं होगा जब पीएम मोदी खुद को देश का स्थायी प्रमुख घोषित कर देंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में यशवंत सिन्हा के एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये केवल शुरुआत है यशवंत सिन्हा जी। अगर मोदी जी को संसद में एक और कार्यकाल मिलता है तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर वो संविधान में बदलाव करते हैं और खुद को राज्य का स्थायी प्रमुख घोषित करते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पहली बार बिल्लियों और कुत्तों में कोविड के अल्फा वेरिएंट संक्रमण की सूचना दी है। वेटनरी रिकॉर्ड जर्नल में प्रकाशित अध्ययन ने घरेलू पालतू जानवरों में SARS-CoV-2 अल्फा वेरिएंट की पहली बार पहचान का वर्णन किया है। 2 बिल्लियां और 1 कुत्ता PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 अन्य बिल्लियों और 1 कुत्ते ने हृदय रोग के लक्षण विकसित होने के 2 से 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी प्रदर्शित की है।
दुनिया का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अब सतत ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी कदम उठाने जा रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट शनिवार को यानी कि आज अपनी खुद की जल विद्युत परियोजना शुरू करते देखा गया। जल विद्युत संयंत्र शुरू होने के साथ ही CIEL को टारगेट कोझिकोड के पास अरिपारा में अपने संयंत्र में KSEB ग्रिड को बिजली प्रदान करना भी है। आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। सुबह 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। अगले 6 महीने के लिए ये बंद रहने वाले हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट और यमुना की उत्सव डोली खड़साली गांव भी आज लाई गई। इस गांव में अगले 6 महीने तक यमुना मंदिर में पूजा अर्चना होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शुक्रवार को पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सदस्य नियुक्त किया है। पटना की सड़कों में लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को भगवान कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। पटना की सड़कों पर यह पोस्टर किसने लगाया, इसका उल्लेख इस पोस्टर में नहीं है, लेकिन सड़कों पर आने जाने वाले लोगों के लिए यह पोस्टर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभिनेत्री आथिया शेट्टी के 29वें जन्मदिन पर क्रिकेटर KL राहुल ने एक प्यार भरे पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है। राहुल ने आथिया के साथ पोज देते हुए 2 तस्वीर शेयर की। तस्वीर में दोनों भोली सूरत बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है SL कामत, सचिन कुमार, अमित रंधाना, आर्यन सिंह, इंडियन ब्लॉग्स, नगेंद्र कुमार, छोटू प्रभास, कृष्णा दुबे, DN सिंह, नुनु कुमार, राशिद आलम, जिलेश्वर शाह, प्रिंस राज, जितेंद्र ठाकुर, अर्चना कुमारी, अखिलेश यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।